ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ऑफ सेसेल्स मेक्स इट रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सेसेल्स में लगभग 75 एंडेमिक प्लांट्स इंक्लूडिंग कोकोडेमर और 25 टाइप के जाइंट टर्टल्स जो कि अल्डब्रा ग्रुप है पाए जाते हैं। हमने सेशल्स का नेचुरल ब्यूटी तो बहुत एंजॉय किया, बट हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था वो था सेशल्स बोटेनिकल गार्डन में, जो टाइम हमने जायंट एल्डब्रा टोर्टोइस के साथ स्पेंड किया। ये जायंट टोर्टोइस वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स में गिने जाते हैं। कुछ कुछ जायंट टोर्टोइस तो 200 साल से भी ज़्यादा तक जिंदा रहते हैं। ये जायंट टोर्टोइस एल्डब्रा अटोल या आइलैंड में मिलते हैं, जो कि सेशल्स का एक रिमोट आइलैंड है। 1982 में एल्डब्रा अटोल को यूनेस्को हेरिटेज साइट की मान्यता दी गई, सो दैट 1,00,000 जायंट टोर्टोइस को प्रोटेक्ट किया जा सके। जायंट टोर्टोइस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देते हैं। ये लोग टूथलेस होते हैं और इनके पास चोंच होता है बर्ड्स के जैसे। जो मेल जायंट टोर्टोइस होते हैं वो 250 केजी से भी ज़्यादा वजन में हो सकते हैं, और जो फीमेल होते हैं उनका वजन लगभग 150 केजी तक होता है। ये जो जायंट टोर्टोइस होते हैं इनका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, बट एक एडल्ट जायंट टोर्टोइस का लेंथ 1.2 मीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। तन्मय को पूरा टोर्टोइस, जितने जायंट टोर्टोइस ने घेर लिया है, बचने का कोई चारा नहीं है। भी आप देख रहे हैं कैसे विशियसली ये जीव उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या वो बच पाएगा? Are they starving or are they greedy? I think they are just greedy. लालची है सब। अल्डब्रा जायंट टोर्टोइस ज्यादातर झुंड में रहते हैं, बट कभी कभी ये लोग अकेले भी रह लेते हैं। और ये जो जायंट अल्डब्रा टोर्टोइस होते हैं ये लोग ओपन ग्रासलैंड में रहना प्रिफर करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? अगर आपको ये टॉर्टोइस को अपने नेचुरल और वाइल्ड हैबिटेट में देखना है तो आप एल्डब्रा आइलैंड जा सकते हैं, या फिर प्रालिन या लादिक में भी आपको सैंक्चुअरी में ये टॉर्टोइस दिख जाएंगे। क्या कर रहे हो तो दिखा दो। बाय द टाइम वो पहुंचेगा ये पत्ता खत्म हो गया रहेगा। डोंट बाइट माय, डोंट बाइट माय। अगर आप ये सब आइलैंड्स में नहीं जा पा रहे हैं तो भी डोंट वरी, आपको माहे में ही माहे आइलैंड में सेशल्स बॉटनिकल गार्डन में ये टॉर्टोइस मिल जाएंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। आपके पास भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।